ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके और हमारा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बचा रहे। मैंने पौधा लगाया है एक अपने नाम का यहाँ पर F9 पार्क में। मेरी 14 अगस्त की अब्बू से ये फरमाइश होगी कि मुझे नर्सरी लेके जाएं जहाँ से मैं ज़्यादा सारे फ्रूट्स वाले पौधे लेके आऊँ और उनको अपने घर के बाहर जितनी भी जगह है जहाँ पर सॉइल है अच्छा सा वहाँ पर मैं उनको प्लांट करूँ और उनको रोज़ सुबह शाम पानी दिया करूँ। पौधा लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलता है और साया मिलता है। पौधे ना काटें और अपनी ज़िंदगियों को बचाएं, लोगों की ज़िंदगियों को बचाएं। मैं लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि वो अपने नाम का पौधा भी लगाएं, हर जगह पौधे लगाएं ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए और वो गर्मी से बच सके। मेरे नाम का पौधा लग गया और लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि वो भी इसी तरह जगह जगह पे ये पौधे लगाएं, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं। 14 अगस्त पे मैंने अपने नाम का पौधा भी लगाना है और झंडे वगैरह भी लगाने हैं और मैं अपने वालिद के साथ जाके नर्सरी वगैरह से पौधे वगैरह ला के लाऊँगा और वो फिर लगा दूँ। हम हमेशा की तरह हर साल एक पौधा ज़रूर लगाएंगे और पाकिस्तान को पौधों से रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम यहाँ पे F9 पार्क में 5000 फ्रूट ट्रीज लगा रहे हैं और 1000 हम पिम्स हॉस्पिटल के अंदर लगाएंगे। पिम्स CDA का ये विजन है कि हमने ज़्यादा ज़्यादा फूलदार और फलदार दरख्त लगाने। इस्लामाबाद में आपको ग्रीनरी नज़र आती है लेकिन आपको परिंदे नज़र नहीं आते, तो परिंदे रूठ गए इस्लामाबाद से, इसलिए अब हमने सिर्फ फ्रूट ट्रीज लगाने। इससे एक तो आपके परिंदे आएंगे, इकोसिस्टम बेहतर होगा, बायोडाइवर्सिटी आएगी, इसके साथ साथ आपकी लाइवलीहुड लोगों के लिए होंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि आज़ादी का महीना है तो मैं इसमें लोगों से, आप तमाम पूरी कौम से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग इस दफ़ा झंडियाँ लगाएं लेकिन उसके साथ एक झंडी और एक पौधा लगाएं कि ये मानसून का महीना है। हमारी कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा इस 15-20 दिन में हम पौधे लगा लें ताकि हमें पानी की ज़रूरत ही ना पड़े। और हम पौधे भी बहुत बड़े साइज़ के लगा रहे हैं, 10 से 15 फुट के पौधे लगा रहे हैं। 4 मिलियन का टारगेट है हमारा मार्गला हिल्स के ऊपर और इसके अलावा 1 मिलियन का टारगेट है जो हमने डिफरेंट पार्क्स और डिफरेंट हमारे राइट ऑफ वेज में ग्रीन एरियाज़ में हम लगा रहे हैं, फ्रूट ट्रीज़ लगा रहे हैं, लोगों को घरों पर दे रहे हैं। तो 1 मिलियन का ये टारगेट है, तो टोटल जो है वो इस्लामाबाद में हमारे इस वक्त जो है 5 मिलियन का टारगेट है और ये रियलिस्टिक टारगेट है। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि हम आपको कह दें कि हम इतने भी लगा देंगे और वो ना लगें। हमारे हम डेली की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको टैगिंग कर रहे हैं GPS के ऊपर कि वो पौधे लग रहे हैं और वहाँ हम एक रिकॉर्ड के साथ उसको मॉनिटर कर रहे हैं।